दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से जीव जंतु और जानवर ऐसे हैं जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक होते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे ही पांच जानवरों के बारे में जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत व आकर्षक है। नंबर एक, राइनोपिथेकस रोक्सिलेना। दोस्तों, एक प्रकार के बंदर होते हैं जिनको स्नब नोड्स के नाम से भी जाना जाता है, जो विशेष रूप से एशिया में रहते हैं, जिनमें तिब्बत, सिचुआन, यूनान शामिल है। इन बंदरों के गोल चेहरे पर छोटी चपटी नाक होती है तथा इनकी पूंछ की लंबाई 55 से 97 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ये बंदर 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी जंगलों में निवास करते हैं, जो अपने जीवन का अधिकांश भाग पेड़ों में बिताते हैं। ये कभी भी अकेले नहीं रहते हैं, ये कम से कम 600 बंदरों के समूह में रहते हैं। ये बंदर मुख्य रूप से पेड़ की कलियां, फल व पत्तियां खाते हैं। नंबर दो, एम्पायर तमरीन। दोस्तों, ये भी एक प्रकार के बंदर होते हैं जो भूरे रंग के चेहरे व लाल रंग की नारंगी पूंछ के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के बंदरों में सफेद रंग की लंबी मूंछें होती है, जो इनको और बंदरों से अलग बनाती है। अगर इनकी औसत आयु और आकार की बात की जाए तो इनकी औसत आयु 10 से 20 साल व आकार 9 से 10 इंच तक होता है। ये बंदर 2 से लेकर 15 बंदरों के समूह में रहते हैं, जो मुख्य रूप से फल, फूल व गोंद से लेकर मेंढक, कीड़े और कभी कभी छोटे पक्षियों का शिकार अपने भोजन के रूप में करते हैं। नंबर तीन, रैकून कुत्ता। दोस्तों, रैकून एक बहुत ही खूबसूरत डॉग होता है, जो बिल्कुल एक लोमड़ी की तरह दिखाई देता है, जिसके शरीर के ऊपर घने मोटे बाल होते हैं, जो इनको सर्दी में सुरक्षित रखते हैं। रैकून डॉग आमतौर पर काले व भूरे रंग के होते हैं। ये अक्सर नम जलवायु के पास पाए जाते हैं, जिनमें नम घास के मैदान, नदियाँ व झीलों के किनारे शामिल है। अगर इनके शिकार की बात की जाए तो ये अपने टारगेट का शिकार करने के लिए पेड़ों पर चढ़ सकते हैं, तैर सकते हैं व पानी में गोता भी लगा सकते हैं। रैकून डॉग सर्वाहारी होते हैं, जो कीड़े, पक्षियों, मछलियों, साथ ही फल व सब्जियां खाना पसंद करते हैं। अगर इनके प्रजनन की बात की जाए तो मादा रैकून डॉग एक बार में 6 से 8 पिल्लों को जन्म देती है। जन्म के समय एक पिल्ले का वजन 60 से 110 ग्राम होता है, जो अंधे मुलायम होते हैं। उनकी आंखें 9 से 10 दिन बाद खुलती है व दांत 14 से 15 दिनों के बाद निकल आते हैं। आमतौर पर रैकून डॉग पूर्वी एशिया के निवासी है, लेकिन अब ये यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी व आदि देशों में भी आसानी से देखे जा सकते हैं। नंबर चार, फ्लाइंग लेमूर। फ्लाइंग लेमूर एक प्रकार का पक्षी होता है, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत व डरावना होता है। इसके आकार के मुकाबले इसकी आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, जो इनको और पक्षियों से अलग बनाती है। यह बिल्कुल एक चमगादड़ की तरह दिखाई देता है। फ्लाइंग लेमूर का ऊपरी रंग भूरा व नीचे का हिस्सा पीला और आंखें चमकीली होती है। ये वास्तव में उड़ नहीं सकते, लेकिन एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक आसानी से पहुँच सकते हैं। अगर इनकी आदत और जीवन शैली की बात की जाए तो फ्लाइंग लेमूर एकांत या छोटे समूह में रहते हैं। ये भी चमगादड़ की तरह मुख्य रूप से रात्रि में ज़्यादा सक्रिय होते हैं। दिन में ये पेड़ों की टहनियों के नीचे व छिद्रों में छिपकर सोते रहते हैं। फ्लाइंग लेमूर भोजन में फल, फूल, कलियां व कोमल पत्तियां खाना पसंद करते हैं। इनके जीवन काल के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि इनकी औसत आयु 17 से 18 साल तक होती है। फ्लाइंग लेमूर आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया, वियतनाम, थाईलैंड में पाए जाते हैं। नंबर पाँच, वेनेजुएला पुडल मोथ। पुडल मोथ एक प्रकार का छोटा कीट पक्षी होता है, जो दिखने में बिल्कुल एक तितली के जैसा दिखाई देता है। यह बहुत ही सुंदर व अट्रैक्टिव होता है। इसकी आंखें काफ़ी बड़ी व उभरी हुई होती है तथा इसके सिर पर एक लंबा भूरा व नुकीला एंटीना होता है, जो इसको और कीटों से अलग बनाता है। इसके रंग की बात की जाए तो ये हल्के भूरे व सफ़ेद रंग के होते हैं। पुडल मोथ को पहली बार 2009 में वेनेजुएला में देखा गया था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और आगे भी इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।